हाँ ठीक है जी। एरर का फैक्टिंग 12 इंच और सस्पेंस का। अच्छा पहले तो वही नाम लिख लेते हैं एरर्स के, उसके बाद पढ़ेंगे फिर उनकी कनेक्शन। क्या फैक्टिंग का मतलब क्या होगा, क्या इफेक्ट होगा इनका, क्या इफेक्ट आएगा 12 वायरलेस इक्वल नहीं आएगा, एक साइड का टोटल ज्यादा होगा एक साइड का टोटल कम आएगा। जी अच्छा इफेक्ट क्या होगा कि 12 वायरलेस की एक साइड का टोटल ज्यादा होगा एक साइड का टोटल कम आएगा, सब जो डिफरेंस आएगा डिफरेंस के अमाउंट से एक अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं जिसको नाम देते हैं सस्पेंस अकाउंट। ठीक है अच्छा जो सस्पेंस अकाउंट होता है ये टेम्परेरी अकाउंट होता है, एरर्स की वजह से ओपन होगा और करेक्शन के बाद क्लोज हो जाता है। ये भी क्वेश्चंस करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा, तो इसको लिख लें पहले पहले ये कॉपी कर लें, इसके बाद फिर हम एरर्स के नाम लिखेंगे कौन से एरर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। जी ठीक है एरर्स के नाम लिख लेते हैं। अच्छा पहला एरर है सिंगल एंट्री एरर, सिंगल एंट्री एरर। देखिए वैसे तो हम हर ट्रांजेक्शन की डबल एंट्री बनाते हैं ना डेबिट क्रेडिट, लेकिन अगर आप सिंगल एंट्री बनाएंगे यानी कि डेबिट रिकॉर्ड किया क्रेडिट भूल गए, ये क्रेडिट रिकॉर्ड किया डेबिट भूल गया तो 12 वायरलेस इक्वल आएगा नहीं आएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका सिंगल एंट्री एरर जिसकी वजह से आपकी 12 वायरलेस इक्वल नहीं आता, ये लिख लें फाइव। ये मुश्किल है नॉट अफेक्टिंग तो आसान थे, इसलिए मैंने आखिर शुरू में उस वक्त नहीं पढ़ाया, ये थोड़ा मुश्किल है जी। नहीं इसके बाद एक पेरोल है लेबर जो आपने एमएम पढ़ा है पेरोल थोड़ा, और एक थ्योरी का चैप्टर है जी। तो नेक्स्ट वीक आपका आखिरी वीक है कि 2 से 3 क्लासेस और है बस, ऐसे बात क्या बताता हूँ रमजान में होती है 10 to 3 के दरमियान, मतलब 10 to 3 के दरमियान क्लासेस, 10 to 12 जैसे या 12 to 2 हो गया ऐसे, 2 ढाई घंटे की क्लास होगी बस, कभी 2 कभी 2.5 सर 2 सही है, फायदे नहीं इतनी दूर से आएंगे 2 घंटे में सही चल, बाकी सब ये रहेगा रूटीन वही 2 टेस्ट। ओके ओके सेम रहेगा रूटीन सब सेम, सिर्फ टाइमिंग आपकी कम हो जाएगी 3 के बजाय 2 या 2.5 घंटे की क्लास 10 से 3 के दरमियान। ठीक है जी अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट एरर है कास्टिंग एरर, हो गया कास्टिंग एरर। अच्छा ये क्या होता है इनकरेक्ट एडिशन इन एनी अकाउंट। देखो हमने एरर्स पढ़े थे पहले अंडर कास्ट ओवर कास्ट याद है, वो यही होता है कास्टिंग एरर भी होता है। ओवर अंडर कास्ट होना क्या होता है कि टोटल ज्यादा हो गया टोटल कम हो जाए ना, और क्या बाबा एक टी अकाउंट बनाया आपने टी अकाउंट का टोटल किया टोटल अगर ज्यादा हो गया उससे बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, ओवरकास्ट हो जाएगा, टोटल आपने कम किया तो बैलेंस आपका अंडरकास्ट हो जाएगा। ठीक अब आपका बैलेंस जब ओवर या अंडरकास्ट होगा जैसे और से आप 12 वायरलेस पे लिखेंगे तो 12 वायरलेस इक्वल नहीं, तो ये है इनकरेक्ट एडिशन इन एनी अकाउंट जिसकी वजह से आपका बैलेंस ओवर या अंडरकास्ट होगा 12 वायरलेस इक्वल नहीं आएगा।
तो द नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन एरर। अच्छा एक्सट्रैक्ट के मीनिंग क्या होते हैं? एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करना निकालना। अच्छा जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम बैलेंस कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? ट्रायल बैलेंस के लिए बैलेंस कहाँ से आते हैं? प्री अकाउंट से। तो सब कह सकते हैं ना कि प्री अकाउंट से बैलेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बैलेंस हम प्री अकाउंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अच्छा अब अपने ट्रायल बैलेंस बनाते हुए किसी अकाउंट से गलत बैलेंस एक्सट्रैक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। प्री अकाउंट में बैलेंस था 750, ट्रायल बैलेंस में आपने कॉपी किया 570, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं होगा। प्री अकाउंट का बैलेंस था 10,000, ट्रायल बैलेंस में आपने कॉपी किया 1,000, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं है। ये कहलाता है एक्सट्रैक्शन एरर। ये कॉपी कर रही हूँ। नेक्स्ट एंड क्वेश्चन मार्क अच्छा, ये बुक में एरर है, इसके नाम मेंशन नहीं है, ये भी एरर। हाँ बुक में भी एरर है, एरर में एरर आ गया, ठीक है। तो इसका कोई नाम मेंशन नहीं है, एरर क्या है? बोथ एंट्री। अच्छा खैर ये तो पांच अभी मैं लिखवाऊंगा, सिर्फ एरर इससे ज्यादा होते हैं तो हर एरर का कोई नाम नहीं है, नहीं होगा। बस ये जो कॉमन है उनके नाम है, बाकी सबके नाम नहीं होंगे, ना ही वो आपसे पूछेगा, नहीं पूछेगा ना, कुछ नहीं आएगा। सिर्फ तो जिनके नाम है वो पूछेगा, बाकियों के नाम नहीं पूछेगा। एरर देगा, करेक्शन कर लेंगे, करवाने कहेगा करेक्शन कर दे, नाम नहीं पूछ। जिनके नाम है सिर्फ वही पूछेगा, क्योंकि इनके नाम अभी तक इजाद नहीं, ठीक है। तो ये सबको पता है, ठंडी कौन मार रहा बंद कर दे। अच्छा ये हो गया, बोथ एंट्रीज हैव बीन मेड ऑन सेम साइड, यानी कि डेबिट डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, ठीक। और ये इसके बाद इसका पार्ट टू, नामालूम अपराध पार्ट टू। अभी ये आई आई हो गया, दो बार हो जाएगा ना। अब ये एंट्रिंग डिफरेंट अमाउंट ऑन डेबिट साइड फ्रॉम क्रेडिट साइड, डेबिट आपने रिकॉर्ड किया 100 से, क्रेडिट रिकॉर्ड किया 1,000 से, डेबिट रिकॉर्ड किया 750 से, क्रेडिट रिकॉर्ड किया 570 से, तो ट्रायल बैलेंस इक्वल नहीं आएगा। ठीक है कॉपी कर लें। क्वेश्चन वन, उसमें ये डेबिट और ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है, आप उधर दे। ओके अब इसमें देखिए डेबिट साइड क्रेडिट साइड पर आ रहे हैं सस्पेंस अकाउंट 330 से, तो इट मींस कि इसके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था, क्रेडिट साइड का टोटल कम, डिफरेंस 330। 330 से हमने नया अकाउंट ओपन किया सस्पेंस के नाम से, पहले से भी होता है
कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और दोनों साइड इक्वल नहीं आती, तो जो भी डिफरेंस होता है डिफरेंस के अमाउंट से हम सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। ठीक, अच्छा वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अच्छा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा अभी हमें इसने एरर दिए हुए, तो इन ड्रॉइंग अप इनिशियल ट्रायल बैलेंस नंबर ऑफ एरर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। ओके, अभी थ्री एरर्स डिस्कवर हुए, तो पहले हम करेंगे इन तीनों एरर्स की करेक्शन, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनेगा दोबारा, उसके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे और सस्पेंस अकाउंट खत्म। सही, हाँ अभी तीन एरर्स हैं, अब इनकी हम करते हैं वन बाय वन करेक्शन करते हैं पहले। ठीक, इसके बाद बताता हूँ फिर क्या करते हैं। अच्छा एरर वन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 340 पेड बाय चेक हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम अकाउंट्स कंप्लीट। अच्छा इसमें अफेक्टिंग नॉट अफेक्टिंग दोनों होंगे, अब इसमें दोनों को आ जाएगा। ठीक, सभी पहले एरर है कंप्लीट ओमिशन नॉट अफेक्टिंग। अच्छा इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या होगी? ओरिजिनल होगी एडमिन एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा 340, 340। तो रॉन्ग एंट्री कॉमेंट हो गई। ठीक है, करेक्शन क्या होगी? सेम एंट्री बन जाएगी एडमिन एक्सपेंस डेबिट बैंक क्रेडिट 340 और 340। ठीक है, ये तो हो गई इसकी करेक्शन। रिकॉर्ड करना भूल गया, तो रिकॉर्ड कर लेंगे। सेकंड परचेज ऑफ 180 वर एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट ऑल्दो द एंट्री टू द बैंक अकाउंट वॉज करेक्टली मेड। अच्छा ओरिजिनल एंट्री क्या होगी परचेज की? परचेज डेबिट, और यहाँ बैंक आ जाएगा, बैंक मेंशन है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा 180 से। अच्छा रॉन्ग एंट्री क्या बनाई? एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट ऑल्दो द एंट्री टू बैंक अकाउंट वॉज करेक्टली मेड। रॉन्ग एंट्री परचेज क्रेडिट और बैंक भी क्रेडिट, इसमें रॉन्ग होगी परचेजेस क्रेडिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है 180, 180 डेबिट कुछ नहीं किया। ठीक है, करेक्शन क्या होगी? चीज को डबल करके डेबिट परचेज डबल से डेबिट और अच्छा क्रेडिट क्या होगा? बैंक क्यों आएगा? तो यही रहेगा ना, कुछ भी नहीं आएगा। क्या आएगा? क्यों आएगा बैंक? बैंक को तो क्रेडिट करना था, क्रेडिट कर दिया ना। फिलहाल तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ कौन आएगा? अब कोई ना कोई तो आएगा। हाँ देखिए आप बताता हूँ, यहाँ पर देखिए अब इसका ये जो आपने रॉन्ग एंट्री बनाई इसका ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट होगा? क्रेडिट ज्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड कम होगी, तो डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इस एक एरर की बात कर रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या आएगा? क्रेडिट साइड ज्यादा होगी, डेबिट साइड कम, तो डेबिट पे डिफरेंस के अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डेबिट में हम सस्पेंस अकाउंट लिख सकते हैं कि एरर की वजह से आप डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा ना। इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? करेक्शन के टाइम पर इसे हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ये क्लोज हो जाएगा।
एरर की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ और करेक्शन के टाइम पे हमने क्रेडिट करके उसको क्लोज कर दिया, तो ये इसकी करेक्शन हो। बैंक नहीं, बैंक की जगह तो बैंक ही आएगा, सस्पेंस क्यों आएगा? क्लियर? सही है। देखिए, परचेज को क्रेडिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, डेबिट हमने कुछ नहीं किया। अगर इस एक एंट्री की बात करें तो इस एक एंट्री का ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा? क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, डेबिट साइड कम, तो डेबिट पे सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा ना। जैसे कि अब ये क्वेश्चन में यहाँ तो खैर एक ओवरऑल ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे तो सस्पेंस क्रेडिट पे आ रहा है ना, हम तो क्रेडिट पर है। ये तो तीनों एरर की वजह से हुआ ना, अभी हम एक एरर की बात कर रहे हैं सर। इस एरर के इफेक्ट क्या होगा? क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट साइड कम, तो सस्पेंस कहाँ ओपन होगा? डेबिट पे, ठीक है। और करेक्शन के टाइम पर हम क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे, खत्म। सही। तो इन एरर में आपने करना ये कि जो भी आपका एरर है उसकी आप करेक्शन कर लें और अपोजिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट लिख दें, आपकी करेक्शन सही हो जाए। ठीक है, एरर अफेक्टिंग की करेक्शन करने का आसान तरीका क्या है? जो भी एरर उसकी करेक्शन करें और अपोजिट साइड पर सस्पेंस अकाउंट लिख दें, करेक्शन आपकी सही हो जाए। सही। जैसे अभी हमने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पे क्रॉस डाल दिया था ना, करेक्शन में क्या है कि परचेज इज डेबिट, यहां तक तो क्लियर था। अच्छा, क्रेडिट क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट, तो ये आपकी करेक्शन बिल्कुल सही हो जाए। ठीक है, ये करना है आप। हाँ, बाकी तो समझाने के लिए मैंने कहा था ना, भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेबिट पे आप सस्पेंस लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर? नहीं, डबल होगा ना, क्यों 180 होगा? ये क्रेडिट हमने कितने से किया है? 180 और 180, दो बार 180, तो क्रेडिट का टोटल कितना हुआ? 360, डिफरेंस आएगा 360। अच्छा, द नेक्स्ट थर्ड, परचेज ऑफ 180, ये तो हो गया सेल्स रिटर्न। अच्छा, सेल्स रिटर्न ओरिजिनल एंट्री, सेल्स रिटर्न डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने से? 690। अच्छा, रॉन्ग एंट्री क्या होगी इसकी? मैं यहाँ जरा कॉपी थोड़ा तो कॉपी कर लूँगा नीचे, एक मिनट रुकिए। लाइन गलत हो गया, इसको ठीक है। अच्छा, अब रॉन्ग एंट्री बताएं इसकी क्या बनी? सेल्स रिटर्न वर क्रेडिटेड टू रिसीवेबल एंड डेबिटेड टू, अच्छा, बोथ सेल्स रिटर्न अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये तो तीन एंट्रीज बन गई ना। अच्छा, क्या है? क्रेडिटेड टू रिसीवेबल एंड डेबिटेड टू बोथ सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव। अच्छा, डेबिट क्या किया इसने? सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, लाइन पहले यहां चेक कर दो। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव डेबिट हुआ और क्रेडिट क्या किया? अकाउंट रिसीवेबल, तो 690, 690 और 690, ये बन गई रॉन्ग एंट्री। ठीक है। अच्छा, एरर क्या है इसमें? ये डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट हो गया जो नहीं आना चाहिए, तो करेक्शन क्या होगी? तो डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट।
ये इसकी करेक्शन हो जाएगी। सस्पेंस आ गया ना, सही है। क्यों करें भाई, एरर क्या हुआ? अभी मैंने क्या बताया, जो भी एरर है उसकी करेक्शन कर लें। अब एरर क्या हुआ है, डेबिट हो गया, तो करेक्शन के लिए क्या करें, क्रेडिट कर दें। तो ये डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया, ये करेक्शन हो गई। अब डेबिट पे क्या लिखे हैं, कुछ नहीं है, तो सस्पेंस सेम, जितने से क्रेडिट होगा उतने से डेबिट कर, सही है। अच्छा अब जरा इसके, ये तो करेक्शन हो जाएगी जो सिंपल तरीका है ना। सही बताए, इसका जो एरर हुआ है, इस एरर का ट्रायल बैलेंस पर क्या इफेक्ट आएगा? डेबिट इंक्रीज होगा, क्रेडिट कम होगा, कितने से कम होगा? तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट पर 690 से सस्पेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। करेक्शन के टाइम पर हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके क्लोज कर देंगे, ठीक। तो ये एरर की वजह से ओपन हुआ, करेक्शन के टाइम पर क्लोज हो गया, इसीलिए इसको हम कहते हैं टेम्परेरी अकाउंट कहलाता है, ठीक। एरर की वजह से ओपन होगा, करेक्शन के बाद क्लोज। अच्छा ये तो हमने तीनों एरर्स की करेक्शन कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब एक हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और इसमें पहले हम लिखेंगे जो ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है, पहले ये कॉपी करेंगे। बैलेंस कितना आ रहा है जी, किस साइड पर है, तो इसको हम लिख लेंगे क्रेडिट साइड। बैलेंस आ गया 330 का। अब जो हमने करेक्शंस किए वो यहाँ पर पोस्ट करेंगे। अच्छा एरर वन तो नॉट अफेक्टिंग था, ठीक है, एरर टू पे आ जाए। एरर टू में सस्पेंस अकाउंट कहाँ आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है 360 से, ये सस्पेंस अकाउंट 360 से क्रेडिट हो गया। और थर्ड में सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है 690 से, तो इसको डेबिट करते हैं डेबिट। अब दोनों साइड का टोटल करें, 690 690, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है। एरर्स की वजह से सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ था, करेक्शन के बाद क्लोज हो गया, तो ये चेक भी हो गया कि हमने करेक्शन बिल्कुल सही किए हैं, ठीक है। तो करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो होना चाहिए। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस, और अब इसके दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। अच्छा अभी ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। अच्छा इसमें पहले क्या, एडमिन एक्सपेंस 7250। अच्छा यहाँ पे लिख लेते हैं, वर्किंग थोड़ी यहाँ शो कर देते हैं 7250। तो करेक्शन में एडमिन एक्सपेंस थे ना, यहाँ हमने देखिए करेक्शन में एडमिन एक्सपेंस को डेबिट किया है, तो ये एक्सपेंस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज हुए 340 से। अब इसमें 340 ऐड हो जाएंगे, टोटल बताएं इन दोनों का टोटल 7 90, ठीक है। इसके बाद कैश एट बैंक 3280, 3280। अब इसमें कोई करेक्शन थी बैंक की, पहले एरर में थी, बैंक क्रेडिट हुआ है तो माइनस हो जाएगा बाकी। अच्छा मैं सिर्फ करेक्शंस को देखना, थर्ड व सेकंड में बैंक नहीं है और थर्ड में भी बैंक नहीं आ रहा ना, तो यहाँ से सिर्फ क्या करना है, बैंक से हमें 340 माइनस करना होगा। माइनस करें 2940 के बाद कैपिटल का बैलेंस है 60,000, इसकी कोई करेक्शन नहीं थी तो ये एज इट इज कॉपी कर लेंगे। के बाद डिलीवरी एक्सपेंस 1210, इसकी भी कोई करेक्शन नहीं थी, एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद पेबल्स हैं 1530 के, पेबल की करेक्शन ये भी नहीं थी, 1530। अकाउंट रिसीवेबल 37040, इसकी करेक्शन भी नहीं है, रिसीवेबल का है। तो थर्ड में देखें डिस्काउंट और सस्पेंस, सेकंड में परचेज और सस्पेंस, फर्स्ट वाले में एडमिन और बैंक है ना, करेक्शन को देखना है।
करेक्शन, वो तो ओरिजिनल रॉन्ग को समझाने के लिए, सिर्फ करेक्शन को देखना है, ठीक है? तो रिसीवेबल के कोई करेक्शन नहीं है, एज इट इज आ जाएंगे 37,040। डिस्काउंट रिसीव्ड, इसकी करेक्शन है, डिस्काउंट रिसीव कितना है 1860 क्रेडिट हो रहा है, ठीक है? करेक्शन हमने क्या किया है, डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया 690 से, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? 690 ऐड कर लेते हैं, प्लस 690 टोटल 2550 के बाद ड्राइंग्स हैं 14,600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मशीनरी, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, करेक्शन 35,040। व्हीकल्स 12,420। परचेजेस 1,05,040। परचेज की है, परचेज परचेज, हाँ सेकेंड वाले में, ठीक है, परचेज डेबिट हो रही है तो ये प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो परचेज है कितनी, 1,05,040। यहाँ लिखते हैं परचेज 1,05,040 प्लस 360 टोटल 400, ठीक है? बस सेल्स 186,70 अदर डेज, वेजेस 33,910, 33,910, और इसके साथ ही ट्रायल बैलेंस हमारा इक्वल हो गया, दोनों साइड सेम आ गई ना। सेल्स रिटर्न कहाँ है, इधर है, ठीक करते हैं। करेक्शन में कह रहे हैं। अच्छा यहां पर, हाँ खैर यहां पे इसने दिया हुआ, लेकिन करेक्शन में तो खैर नहीं है, करेक्शन में तो नहीं आ रहे ना, सस्पेंस और डिस्काउंट है। वैसे यहाँ ट्रांजेक्शन हुई है, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं दिया हुआ, हम भी नहीं लिखेंगे। ओके, तो ये आपका ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया। तो ये इसका एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, ठीक है? पहले हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जो डिफरेंस आता है डिफरेंस के अमाउंट से सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, उसके बाद हम करेक्शंस करते हैं, करेक्शन के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं, दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं क्लोज, और फिर हम अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर होता है, पर एग्जाम में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम में तो एमसीक्यूज आएंगे, सही? ओके, अब ये कॉपी कर ले।